हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे टू ऑफिसर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट को लेकर। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा है कि सिलॉक्स के कॉन्सेप्ट को किस तरीके से करना है, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस को बनाना है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आऊँ जिसमें सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में कवर हो जाएँ और आपको कहीं और से देखने की ज़रूरत ना पड़े। क्योंकि सिलॉक्स एक ऐसा टॉपिक है रीजनिंग का जो कि बैंक एग्ज़ाम के प्री में 5 नंबर के क्वेश्चन इस टॉपिक से फिक्स होते हैं और ये आने ही आने होते हैं। इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएंगे या नहीं आएंगे। 5 नंबर के क्वेश्चन तो आने ही, हम सबको पता है। मेंस में भी इसके क्वेश्चन आते हैं, बस उसका लेवल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो उसको हम इस वीडियो के बाद पढ़ेंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चन को। तो यहाँ पर मैं जो भी आपको बताऊँगी वो प्री लेवल के क्वेश्चन बताने वाली हूँ कि प्री में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलॉक्स के। वो सारे क्वेश्चन और सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। हमने बहुत सी वीडियो देखे हैं, लाइक यूट्यूब पर बहुत से वीडियो है। ओनली का कॉन्सेप्ट अलग रहता है, ओनली फी का कॉन्सेप्ट अलग बताते हैं, ऑल ए का कॉन्सेप्ट अलग बताते हैं, आइदर का कॉन्सेप्ट अलग बताते हैं। तो हम काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें एक साथ सारी चीज़ें नहीं मिल पाती ताकि हमारा एक सब्जेक्ट या टॉपिक एक स्ट्रांग हो पाए, कि हमें पता चल पाए कि हाँ ये इस कंडीशन में इस तरीके से अप्लाई करना है, इस कंडीशन में इस तरीके से अप्लाई करना है। और अगर आपको एक वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से मिल जाते हैं तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका कॉन्सेप्ट भी काफ़ी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो वही मैं यहाँ पर करने की कोशिश कर रही हूँ। जो भी मुझे नॉलेज है मैं चाहती हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ, आप लोग को बता पाऊँ, ताकि आप लोग का भी नॉलेज या आप लोग का भी जो कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर हो पाए। सो जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो मैं पहले आप लोग को बताऊंगी कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन्हें रिप्रेजेंट कैसे करना है, बिकॉज रिप्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको पता होगा कि जैसे ऑल ए आर बी दिया हुआ है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, या ओनली ए आर बी दिया है तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उसका मतलब क्या होता है, तो आप क्वेश्चन का 50% आपने कर लिया, ये समझ लीजिए। उसके बाद कंक्लूजन तो आप ऐसे ही निकाल लोगे। आपको कॉन्सेप्ट को, उसके क्वेश्चन को अच्छे से रिप्रेजेंट करना आना चाहिए, किस तरीके से उसे बनाना है वो आना चाहिए। तो वही मैं आपको अच्छे से बताऊँगी, तो इस वीडियो में बने रहिए और आइए स्टार्ट करते हैं सिलॉक्स के क्वेश्चंस को। ओके, सो पहला कॉन्सेप्ट है ऑल ए आर बी, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देख लेते हैं। ऑल ए आर बी का मतलब क्या होता है? मतलब इसका यही होता है कि सभी ए बी हैं, मतलब जितने भी ए हमारे हैं वो बी हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? मान लेते हैं ये हमारा ए है और जितने भी ए हैं वो बी हैं, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ऑल ए आर बी। तो जितने भी हमारे ए हैं वो बी के अंदर आ गए, देखिए ऐसे बनाएंगे ना हम, ऑल ए आर बी, तो ये इस तरीके से बनेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आता है एक सम ए आर बी, इसका मतलब होता है कुछ ए हमारे बी हैं, मतलब थोड़ा जो पार्ट है ए का वो बी है। अब पूरा पार्ट बी नहीं है, सिर्फ थोड़ा पार्ट जो है बी है, ठीक है। बनाते हैं इसको इस तरीके से, ए बना दिया सम ए, अब कुछ पार्ट बी हैं तो सम ए आर बी, इस तरीके से बना दिया। देखिए कुछ ए का पार्ट हम लोग बी में लेके चले गए, क्यों? क्योंकि कुछ ए बी हैं, ठीक है, इसको इस तरीके से बना दिए। अब थर्ड कॉन्सेप्ट क्या है? सम ए आर नॉट बी, मतलब कुछ ए जो हैं वो बी नहीं हैं, इसको इस तरीके से बना देंगे। ये हमारा ए हो गया और इसका जो कुछ पार्ट है इसको डार्क कर लीजिए और कुछ ए यहाँ पर कट करके बी। हमारा जो ए का कुछ पार्ट है वो बी नहीं है, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम बीच में क्रॉस लगा दी, जिससे हमें पता चल गया कि ये नॉट का सिंबल है, सम ए आर नॉट बी। ओके, अब नो ए आर बी दिया हुआ है, नो ए आर बी का मतलब यही होता है कि कोई भी ए बी नहीं है, मतलब पूरा आपका पूरा जो ए है वो बिल्कुल भी बी नहीं है। ओके, तो इसको इस तरीके से बनाएंगे, ये ए हो गया हमारा और कोई भी ए बी नहीं है तो यहाँ पर बी लिख दिया। जब भी नॉट का आएगा तो नॉट के सिंबल के लिए आपको इस तरीके से क्रॉस बना लेना है, जिससे आपके दिमाग में क्लियर रहे कि हाँ ये इसका कॉन्सेप्ट है, ये नॉट का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इससे आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए आर बी। ओके, ओनली ए आर बी, अब इसमें बहुत लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं आपको बताऊँगी एक ऐसी चीज़ जिससे आपको कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जहाँ पर भी आपको दिखता है ओनली ए आर बी, इसका सिंपल मतलब यही होता है कि जितने भी बी हैं वो ए हैं, मीन्स ऑल बी आर ए। जहाँ पर भी आप देखेंगे ओनली ए आर बी या ओनली पी आर क्यू, ओनली आर आर एस, इस तरीके से आपको कहीं भी कुछ भी दिखता है तो आप उल्टा कर लीजिए। उल्टा कैसे करना है? ऑल बी आर ए, ओके, यही मतलब हुआ, ऑल बी, जितने भी बी हैं हमारे वो ए हैं। ओके, इसका मतलब होता है कि कुछ केवल ए जो है वो बी हैं, मतलब केवल ए ही बी हैं, मतलब बी सी में नहीं आ सकता या बी डी में नहीं आ सकता है, बी सिर्फ और सिर्फ ए में आ सकता है, उसके अलावा और कहीं भी नहीं आएगा। इसका मतलब होता है कि ऑल बी आर ए, ओके, सभी बी हमारे ए हैं, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। जहाँ पर भी आपको ओनली ए आर बी दिखेगा आप तुरंत उल्टा करके ऑल लगा देंगे, ऑल बी आर ए। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सिक्स कॉन्सेप्ट है ओनली अ फ्यू ए आर बी। अब इसको समझाने के लिए बहुत लोग इस तरीके से दिखाते हैं कि जैसे बहुत हैवी कॉन्सेप्ट है, जल्दी समझ में नहीं आएगा किसी को,
इसका एक सिंपल सा मेथड मैं आपको बताऊंगी जिससे आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। अ फ्यू ए आर बी का मतलब होता है केवल कुछ, फ्यू मीन्स कुछ या थोड़ा, केवल कुछ ए आर बी, केवल कुछ ए जो हैं वो बी हैं। इसका मतलब हुआ कि केवल कुछ ए निश्चित रूप से बी हैं, सम ए आर बी एंड सम ए आर नॉट बी, इसका मतलब ये होता है। और इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है वो मैं आपको बताती हूँ। पहले आप ए बना लीजिए एंड कुछ ए बी हैं, इसका मतलब हुआ कुछ ए बी हैं, और इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ ए बी नहीं हैं, ठीक है। तो ओनली अ फ्यू को दिखाने के लिए आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लगेगा कि सम ए आर बी दिया हुआ है। ओनली अ फ्यू को दिखाने के लिए मैं क्या करती हूँ, ओनली अ फ्यू ए आर बी, ए का कंडीशन दिखा रहा है इसमें, तो ए आर बी ओनली अ फ्यू, इस तरीके से आपको एरो लगा देना है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि केवल कुछ ए जो है वो बी हैं। मीन्स इसका मतलब ये होता है, आप ध्यान से सुनिए इस सेंटेंस को, कि सभी ए बी नहीं हो सकते कभी भी। अगर क्वेश्चन में कंक्लूजन में इस तरीके का स्टेटमेंट आता है कि क्या सभी ए बी हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, तो नहीं। क्यों? क्योंकि only a few a r b का कंडीशन दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि कुछ a तो b हैं बट कुछ a b नहीं है, सम a r b बट सम a r not b। और इसका मतलब कंक्लूजन हुआ कि सारे a कभी भी b नहीं हो सकते। बट अगर कंक्लूजन में ये पूछता है कि क्या सभी b a हो सकते हैं, क्या सभी बी ए हो सकते हैं, तो यस सभी बी ए हो सकते हैं, क्योंकि हमें बी का ऐसा कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है। तो हम सभी बी को ए लगा सकते हैं, मान सकते हैं कि हाँ पॉसिबिलिटी है कि सभी बी ए हो सकते हैं, बट सभी ए कभी बी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, ओनली अ फ्यू ए आर बी। ओके, तो इसको आपको इस तरीके से समझना है, इस कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर कर लीजिए कि जहाँ भी दिया होगा ओनली अ फ्यू ए आर बी, ओनली अ फ्यू पी आर क्यू, ओनली अ फ्यू क्यू आर एस, कुछ भी दिया हो ए और बी की जगह, जिसके साथ ओनली अ फ्यू लगा है, जैसे यहाँ पर ओनली अ फ्यू ए के साथ लगा है, तो इसका मतलब यही होगा सिर्फ और सिर्फ कि कुछ ए बी हैं और कुछ ए बी नहीं हैं। और इस तरीके से करना है, और इसको रिप्रेजेंट आप इस तरीके से कर सकते हो, जिससे आपके दिमाग में जब आप बनाओगे वहाँ पर तो क्लियर रहेगा कि ये ओनली अ फ्यू वाला मैंने बनाया है सिंबल। ओके, अब दूसरे कॉन्सेप्ट पर आते हैं, सेवेंथ नंबर कॉन्सेप्ट, 50% ए आर बी। इस तरीके से भी कभी कभी क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जो लोग हैबिचुअल नहीं होते, जो लोग इस तरीके के क्वेश्चन नहीं देखते, उन्हें लगता है कि ये क्या आ गया, मैंने तो सम ए पढ़ा था, ऑल ए पढ़ा था, नो ए पढ़ा था, बट ये 50% का आ गया। 50% का मतलब होता है हाफ, राइट। मतलब इसका मतलब भी हो गया कुछ कुछ ए बी हैं। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आपको, अगर आपको 20% भी दिया हो या 30% भी दिया हो या 40% भी दिया हो, तब भी आप सम का कॉन्सेप्ट लेकर चलोगे। ओके, परसेंट ए आर बी मतलब कुछ ए हमारे बी हैं, मीन्स सम ए आर बी। तो इसको भी आप इस तरीके से बनाओगे जैसे मैंने सम वाला आपको बताया है। ओके, सो अब कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है। ओके, इतने भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं वो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। तो हम पहले सबसे पहले क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे कि किस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। ओके, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से टैकल करना है। तो पहला क्वेश्चन है, इधर सम सिलेक्शंस आर जॉब, स्टेटमेंट दिया हुआ है पहला कि कुछ सिलेक्शन हमारे जॉब हैं। अब मैंने आपको बताया है कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, अब उसी तरीके से बनाते हुए चलेंगे। ओके, सम सिलेक्शन आर जॉब, आइए बना लेते हैं, सम सिलेक्शन आर जॉब। अब मैं कभी भी वर्ड्स को पूरा नहीं लिखती हूँ, बहुत टाइम चला जाएगा। आप सिलेक्शन लिखने बैठोगे, जॉब लिखने बैठोगे, और भी स्टेटमेंट में आगे चीज़ें वर्ड रहेंगी उसे लिखने बैठोगे, काफ़ी टाइम जाएगा। तो आप एक वर्ड से उसे डिनोट कर दीजिए, एक लेटर से डिनोट कर दीजिए। जैसे मैंने सिलेक्शन को एस बना दिया, जॉब को जे कर दिया, तो सम सिलेक्शन और जॉब। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है कि सम एग्ज़ाम आर रिजल्ट। अब यहाँ पर ना हमें एग्ज़ाम दिया हुआ है ना रिजल्ट, तो हम स्टेटमेंट थ्री पर पहुँच जाते हैं, नो रिजल्ट इज सिलेक्शन। अब यहाँ पर देखिए दिया है कि कोई भी रिजल्ट सिलेक्शन नहीं है। अब हमको इस तरीके से बनाना है कि कोई भी रिजल्ट हमारा सिलेक्शन नहीं है। ओके, मैंने आपको बताया था कैसे करना है। अब सेकेंड स्टेटमेंट पर जाते हैं, सम एग्ज़ाम आर रिजल्ट, कुछ एग्ज़ाम हमारे रिजल्ट हैं। अब कुछ के लिए ही मैंने आपको बताया था, कुछ एग्ज़ाम हमारे रिजल्ट हैं। ओके, इस तरीके से मैंने बना लिया। अब हमें पता है कि कुछ एग्ज़ाम रिजल्ट हैं, कोई भी रिजल्ट सिलेक्शन नहीं है, और कुछ सिलेक्शन हमारे जॉब हैं। ये हमारा स्टेटमेंट बन गया पूरा अच्छी तरीके से। अब कॉन्क्लूजन पर पहुंचते हैं। कॉन्क्लूजन में दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहले में कह रहा है कि सम एग्ज़ाम आर नॉट सिलेक्शन, कुछ एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं है। अब देखिए, अब इसको किस तरीके से करना है। ये हमारा एग्ज़ाम हो गया, हमारे कुछ एग्ज़ाम जो है वो रिजल्ट हैं, ये तो हमें पता चल गया। देखिए, ये वाला पार्ट जो मैं डार्क कर रही हूँ, ये पार्ट जो हमारा वो रिजल्ट में चला गया है, एग्ज़ाम का पार्ट है। अब जब एग्ज़ाम का कुछ पार्ट रिजल्ट में चला गया है और हमें ये पता है कि कुछ सारे रिजल्ट सिलेक्शन नहीं है, तो कुछ एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं है ये तो ट्रू हुआ ना, क्योंकि कुछ एग्ज़ाम तो रिजल्ट में गया है और सारा रिजल्ट हमारा सिलेक्शन नहीं है, तो इसका मतलब एग्ज़ाम का जो ये पार्ट है वो भी तो सिलेक्शन नहीं होगा,
राइट। सो इस तरीके से हमें करना है, देखना है कि अगर हमारा एग्ज़ाम का कुछ पार्ट जो है वो रिजल्ट में गया है और हमें पता है कि सारा रिजल्ट सिलेक्शन नहीं है, तो एग्ज़ाम कुछ एग्ज़ाम सिलेक्शन नहीं है ये तो स्टेट कंक्लूजन राइट हो गया। तरीके से समझना है तो फर्स्ट कंक्लूजन हमारा राइट हुआ यहाँ पर। सेकेंड कॉन्क्लूजन में दे रहा है कि ऑल सिलेक्शन कैन बी एग्ज़ाम। अब देखिए अगर इस कॉन्क्लूजन में आपको जो स्टेटमेंट दिया रहता है सेंटेंस, उसमें ये रहता है कि कैन दिया हो या पॉसिबिलिटी दी हो, तो ये एक संभावना या पॉसिबिलिटी का एक स्टेटमेंट बन जाता है। हिंदी में लिख के आता है कि क्या ऐसी संभावना हो सकती है, ठीक है, या पॉसिबिलिटी आया इंग्लिश में या कैन भी आया, तो ये एक संभावना बन जाती है कि क्या ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है, ये एकदम डेफिनेट सेंटेंस नहीं होता है, ओके, निश्चित नहीं होता कि हाँ ये चीज़ें हैं या ये चीज़ें नहीं हैं, ओके। तो इसको किस तरीके से करना है, दिया हुआ है ऑल सिलेक्शन कैन बी एग्ज़ाम, सभी सिलेक्शन एग्ज़ाम हो सकते हैं। सिलेक्शन यहाँ पर है हमारा, एग्ज़ाम यहाँ है। सिलेक्शन और एग्ज़ाम में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन हमें नहीं दिख रहा है। देखिए क्या सिलेक्शन और एग्ज़ाम में कोई भी डायरेक्ट रिलेशन दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है हमें सिलेक्शन एग्ज़ाम में। सिलेक्शन और एग्ज़ाम में रिलेशन हमारा रिजल्ट के थ्रू जा रहा है, राइट। सिलेक्शन और एग्ज़ाम में रिलेशन नहीं दिख रहा है, इसलिए सभी सिलेक्शन हमारे एग्ज़ाम हो सकते हैं। क्या पता सिलेक्शन यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए सिलेक्शन का पार्ट, ओके, तो सभी सिलेक्शन एग्ज़ाम हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है, ऐसी संभावना बनती है। तो ये भी कंक्लूजन हमारा राइट हो गया, ये सेंटेंस राइट हो गया। इसका मतलब हुआ, आंसर क्या हुआ, बोथ वन एंड टू आर ट्रू, ओके। तो ये क्वेश्चन, ओके, अब हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। सेकेंड क्वेश्चन का स्टेटमेंट वन है, ऑल ब्लू आर पर्पल, मीन्स सभी ब्लू हमारे पर्पल हैं। अब इसको हम ड्रॉ करते चलते हैं, सभी ब्लू हमारे पर्पल हैं। ब्लू को मैंने बी से डिनोट कर दिया है, पी को मैंने, पर्पल को मैंने पी से डिनोट कर दिया है, ओके। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम पर्पल आर नॉट वाइट, कुछ पर्पल सफ़ेद नहीं हैं। अब इसको ही बना लेते हैं, पर्पल का जो हमारा कुछ पार्ट है, ये पार्ट मान लेते हैं, ये जो है सफ़ेद नहीं है, मीन्स वाइट नहीं है, ओके, ये मैंने ड्रॉ कर लिया। फिर दिया हुआ है थर्ड में, ऑल वाइट आर ब्लैक, सभी वाइट जो है वो ब्लैक हैं। अब इसको ड्रॉ कर लेते हैं, सभी वाइट हमारे ब्लैक हैं। अब इसको तो हम अगर बी से डिनोट कर दिए तो फिर तो बहुत गलत हो जाएगा, हमारा कंक्लूजन ही गलत हो जाएगा, क्योंकि हम कन्फ्यूज़ हो जाएंगे कि ये ब्लू है या ये ब्लैक है, ये ब्लैक है या ब्लू है, ओके, टाइम बहुत चला जाएगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए डिफरेंट करने के लिए, यहाँ पर ब्लैक लिख दीजिए, ओके, तो हमें ये पता रहेगा कि भाई ये ब्लू है ये ब्लैक है हमारा। उठते हैं कॉन्क्लूजन की तरफ, स्टेटमेंट हमने अच्छे से ड्रॉ कर लिया है, अब कॉन्क्लूजन में देखते हैं क्या पूछा है। सम पर्पल आर ब्लू, मीन्स कुछ पर्पल ब्लू हैं, कुछ पर्पल ब्लू हैं। अब ये देखिए, ये हमारा दिया हुआ ये पर्पल का पूरा पार्ट है, पर्पल में आपको कुछ पार्ट जो है ब्लू का दिख रहा है, मीन्स पर्पल का ये जो इतना पार्ट है ये ब्लू में आ रहा है ना, देखिए ये ब्लू में आ रहा है। तो और स्टेटमेंट में कंक्लूजन में ये दिया हुआ है कि कुछ पर्पल ब्लू हैं, तो बिल्कुल ये सही हो जाएगा। अब इसको समझना किस तरीके से, ये देखते हैं, ये हमारा ब्लू का पार्ट है, जितने भी ब्लू हैं वो हमारे पर्पल के अंदर आ रहे हैं। अब हमें पता है कि जितने भी ब्लू हैं वो पर्पल के अंदर तो हैं, मींस पर्पल का कुछ पार्ट ब्लू तो है, ये तो बिल्कुल पता है। अब ये भी हो सकता है कि ब्लू जो है 20% हो, मींस ब्लू जो है 20 ग्राम हो, पर्पल 80 ग्राम हो, लेकिन पर्पल ब्लू का पूरा 20 ग्राम है वो पर्पल के 80 ग्राम के अंदर तो आ रहा है, राइट। ये पर्पल के 80 ग्राम के अंदर ब्लू का 20 ग्राम आ रहा है, ओके, तो ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। लेकिन ये तो हमें नहीं पता ना कि ब्लू भी 80 ग्राम है, मींस ब्लू जो है हमारा पर्पल के इक्वल है। अगर पर्पल 80 ग्राम है तो ब्लू भी 80 ग्राम है। तो अगर इस तरीके से आपको पूछता कि क्या सभी पर्पल ब्लू हैं, मींस ऑल पर्पल आर ब्लू, तो ये हमें नहीं पता था, तो इसको हम कट कर देते, ये हमारा रॉन्ग हो जाता सेंटेंस, ओके। तो अगर यहाँ पर इस तरीके से पूछता है ऑल पर्पल आर ब्लू, तो ये हम करते नो, बट पूछा है कि सम पर्पल आर ब्लू, तो यस बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि कुछ पर्पल हमारे ब्लू हैं, ओके, हो गया। नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम वाइट आर नॉट ब्लू, कुछ सफ़ेद जो है वो ब्लू नहीं है, मींस कुछ वाइट हमारे ब्लू नहीं है, ये पूछ रहा है। तो इसको किस तरीके से दिखाना है देख लेते हैं। अब देखिए, ये दिया हुआ है पर्पल का जो कुछ पार्ट है वो सफ़ेद नहीं है, ये तो हमें पता है, लेकिन अगर पर्पल का पूरा पार्ट सफ़ेद नहीं होता, पर्पल का जो जितना पूरा फुल पार्ट है वो वाइट नहीं होता, तो ये तो हम कह सकते थे कि हाँ कोई भी ब्लू जो है वाइट नहीं है, या कोई भी वाइट जो है वो ब्लू नहीं है, ओके, ये कह सकते थे हम। बट हमें पता है कि पर्पल का सिर्फ कुछ पार्ट जो है वाइट नहीं है, मीन्स पर्पल का जो इतना पार्ट है ये तो वाइट हो सकता है ना, और हमें ये नहीं पता कि ब्लू यहाँ पर है, हो सकता है ब्लू यहाँ पर हो जिसमें पर्पल का कुछ पार्ट वाइट नहीं है, ब्लू यहाँ पर भी तो हो सकता है, इस वाले डार्क वाले पार्ट में भी तो ब्लू हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ब्लू यहाँ पर ही हो, राइट। तो ये चीज़ें हो सकती हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि सम वाइट आर नॉट ब्लू,
ये तो हमें नहीं पता कि कुछ व्हाइट जो है वो ब्लू नहीं है, हो सकता है ब्लू यहाँ पर दिया हो और व्हाइट यहाँ पर तो बिल्कुल जा सकता है, तो कुछ व्हाइट जो है ब्लू हो सकते हैं, डेफिनेटली हो सकते हैं। ओके, तो इसको हम कट कर देंगे क्योंकि हमें नहीं पता है कि कुछ व्हाइट ब्लू है या नहीं है, हो सकता है ब्लू यहाँ पर हो सकता है ब्लू यहाँ पर हो, ये हमें डेफिनेट नहीं पता है। तो हम कैसे कह सकते हैं, जो चीज़ें हमें डेफिनेट नहीं पता होंगी उसको हम तुरंत क्रॉस करेंगे, वो सेंटेंस तुरंत गलत हो जाएगा। तो इससे हमारा आंसर क्या निकल के आता है, इससे आंसर हुआ हमारा ओनली वन इज ट्रू, ओनली वन, ओके ओनली वन इज ट्रू, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ओनली अ फ्यू वाला करते हैं। ओके, ओनली अ फ्यू में काफ़ी प्रॉब्लम होती है लोगों को। अब इसमें दिया है ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल को बनाते हैं पहले, ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल। अब मैंने आपको बताया था किस तरीके से बनाना है, जिसके साथ ओनली फ्यू जुड़ा है उससे हम तीर लेके जाएंगे दूसरे वाले में, इस तरीके से आपको बना देना है जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ओनली अ फ्यू स्टोन आर पेबल, मीन्स कुछ स्टोन पेबल हैं और कुछ स्टोन पेबल नहीं है। ओके, स्टेटमेंट है नो रॉक इज पेबल, कोई भी रॉक हमारा वो पेबल नहीं है। एंड थर्ड स्टेटमेंट है ओनली स्टोन इज सैंड, ओनली स्टोन इज सैंड। ओके, सिर्फ अब देखिए यहाँ पर आ गया है ओनली स्टोन इज सैंड। अब आपको मैंने क्या कहा था, ओनली ए इज बी अगर आपको लिख के आ रहा है तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट तुरंत आप उल्टा करोगे और कह दोगे कि ऑल बी आर ए। इसका मतलब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ओनली स्टैंड, ओनली स्टोन इज स्टैंड मीन्स ऑल सैंड आर स्टोन, मीन्स जितने भी सैंड हैं हमारे वो स्टोन हैं। अब ये हमारा सैंड हो गया, ऑल सैंड आर स्टोन मीन्स ये देखिए ये सैंड हुआ हमारा और जितने भी सैंड है वो स्टोन के अंदर आ गया, स्टोन के अंदर आ गया, राइट। तो मैंने वही तो बनाया है, ये मेरा स्टोन था और स्टोन के अंदर मैंने सैंड को कर दिया, तो ऑल सैंड आर स्टोन हो गया हमारा स्टेटमेंट, अच्छे से बन गया है। अब हम कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। कॉन्क्लूजन में फर्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑल रॉक आर स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी, सभी रॉक के स्टोन होने की पॉसिबिलिटी है, सभी रॉक के स्टोन होने की संभावना है। रॉक हमारा यहाँ पर है, स्टोन हमारा यहाँ पर है, स्टोन और रॉक में कोई भी डायरेक्ट जो है रिलेशन नहीं दिया हुआ है। ओके, तो क्या सभी आपके जो रॉक हैं वो यहाँ पर नहीं जा सकते, क्या ऐसी संभावना हो सकती है कि सभी रॉक यहाँ पर आ जाएं या यहाँ पर आ जाएं या यहाँ पर आ जाएं, आ सकते हैं ना। तो यस, बिल्कुल ये संभावना हो सकती है कि सभी रॉक स्टोन हो सकते हैं। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, ऑल सैंड इज पेबल इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सभी सैंड के पेबल होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये देखिए, अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, क्या ओनली स्टोन इज सैंड, केवल स्टोन ही हमारा सैंड है। आपके स्टेटमेंट में कहा गया है केवल और केवल स्टोन ही हमारा सैंड है, तो अगर केवल स्टोन सैंड है तो वो पेबल कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। जब आपने कह दिया कि मैं सिर्फ स्टोन के पास ही जाऊंगा तो आप पेबल के पास तो बिल्कुल नहीं जा सकते हो, सिर्फ आप सिर्फ और सिर्फ स्टोन के पास ही जा सकते हो, तो ये स्टेटमेंट, ये सेंटेंस आपका तो तुरंत ही रॉन्ग हो जाना चाहिए, राइट। सो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है और आंसर क्या निकल कर आता है आपका, ओनली वन इज ट्रू, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, कौन सा है वो, आइदर और का कॉन्सेप्ट, जो जनरली क्वेश्चन में इससे एक क्वेश्चन तो आने ही रहते हैं क्योंकि एग्जामिनर आपको उतने कम टाइम में ये देखने की कोशिश करता है कि आप कितना कंसंट्रेट कर पा रहे हो उस क्वेश्चन पर, तो ज़रूर वो आइदर और का एक क्वेश्चन दे देता है कि आप जल्दी जल्दी में उस क्वेश्चन को स्किप कर देते हो इस कॉन्सेप्ट को, या इस कॉन्सेप्ट को भी आप ध्यान में रखते हो कि हाँ ये आइदर और का कॉन्सेप्ट है और मुझे इस पर टिक करना है। ओके, तो ये चीज़ आपकी प्रैक्टिस से आएगी, तो मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ओके, फिर और तो सबसे पहले हम क्वेश्चन देखेंगे फिर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन मेरे पास है, इसमें दिया हुआ है स्टेटमेंट वन है। ओके, स्टेटमेंट वन है एटलीस्ट वेव आर टाइड, एटलीस्ट देखिए ये चीज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जहां पर एटलीस्ट दिया हो ना तो वहां पर सम का कॉन्सेप्ट लगता है। ओके, जहां पर एटलीस्ट दिया हो वहां पर सम का कॉन्सेप्ट लगता है, जहां पर मोस्टली दिया हो वहां पर भी सम का कॉन्सेप्ट लगता है। तो इसमें आप बिल्कुल कन्फ्यूज मत होइएगा क्योंकि एग्जामिनर ऐसे ऐसे प्रयोग करते रहते हैं जिससे बच्चे कन्फ्यूज हो जाएं, बट हमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर एटलीस्ट दिया होगा तो भी हम वहां पर सम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, मोस्टली दिया होगा तो भी हम सम का कॉन्सेप्ट लगा देंगे, और जितने भी हैं वो तो मैंने आपको बताया ही है। ये स्टार्ट करते हैं, एटलीस्ट वेव आर टाइड, कुछ वेव हमारे वो टाइड हैं, ठीक है भाई, बना लिया हमने। नेक्स्ट क्या दिया है, ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड, केवल कुछ करंट हमारे टाइड हैं। अब ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड मैंने आपको बताया था ना कैसे, ओनली अ फ्यू करंट आर टाइड। ओके, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट है नो वाटर आर वेव, कोई भी वाटर हमारा वेव नहीं है, ये तो हमारा वेव है, और ये हो गया हमारा वाटर, वाटर को लिख लेंगे हम क्योंकि एक कन्फ्यूजन ना हो वाटर और वेव में, और कोई भी वाटर हमारा वेव नहीं है। ओके, कॉन्क्लूजन पर चलते हैं। कॉन्क्लूजन का फर्स्ट सेंटेंस है ऑल करेंट इज टाइड इज अ पॉसिबिलिटी,
सभी करंट के टाइड होने की पॉसिबिलिटी है, सभी करंट के टाइड होने की संभावना है, सभी करंट के टाइड होने की संभावना है। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपको क्या कहा था कि सभी करंट के टाइड होने की संभावना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओनली अ फ्यू का कॉन्सेप्ट लगा है और हमें बिल्कुल पता है कि ओनली अ फ्यू में क्या होता है, सम करंट आर टाइड एंड सम करंट आर नॉट टाइड। ओके, तो इसमें हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते, बिल्कुल नहीं हो सकती, तुरंत इसे कट करेंगे, नहीं भाई नहीं हो सकती, को सभी करंट टाइड नहीं हो सकती, पॉसिबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट कंक्लूजन में क्या दे रहा है, नो वाटर इस करंट, कोई भी वाटर करंट नहीं है, वाटर यहाँ पर है हमारा, करंट यहाँ पर है। अब वाटर और करंट में क्या आपको कोई रिलेशन दिख रहा है डायरेक्ट? नहीं, ये तो हमें पता है कि कोई भी वाटर हमारा वेव नहीं है। ओके, बट करंट और वेव का भी कोई रिलेशन नहीं है ऐसा कुछ डायरेक्ट रिलेशन, और वाटर और करंट का भी कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, तो क्या यहाँ पर वाटर नहीं हो सकता या यहाँ पर वाटर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? तो इसमें पूछा क्या है, नो वाटर इस करंट, क्या कोई भी वाटर करंट नहीं है? तो हमें नहीं पता है भाई, जब हमें नहीं पता है, निश्चित रूप से हमें नहीं पता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं पता हमें कि ये चीज़ें हो सकती हैं या नहीं हो सकती, तो हम तुरंत इसे कट कर देंगे। ओके, अब हम इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है ऑल करंट इज टाइड इज अ पॉसिबिलिटी एंड नो वाटर इज करंट, तो इसमें क्या हो गया, नन फॉलोज, नाइदर वन नॉट टू फॉलोज। ओके, तो ये हो गया नाइदर का कॉन्सेप्ट हमारा, जब यहाँ पर दोनों निगेटिव आ जाते हैं तो ये तो नाइदर का कॉन्सेप्ट हो गया। ओके, और इन दोनों में तो कोई रिलेशन भी हमें नहीं दिख रहा है, अगर आपको यहाँ पर करंट टाइड और करंट टाइड दोनों में दिखता तो हम आइदर का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगा सकते थे, बट यहाँ पर करंट टाइड का स्टेटमेंट है पहला और दूसरा स्टेटमेंट है वाटर करंट का, तो बिल्कुल नहीं, अगर यहाँ पर दोनों गलत हो गए हैं तो तुरंत नाइदर लगाना है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आइदर और का कोई क्वेश्चन उठाते हैं और उसे देखते हैं कैसे करना है। अब देखते हैं, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ऑल एयर आर हॉट, जितने भी एयर हैं हमारे वो हॉट हैं, सम कोल्ड इज एयर, कुछ कोल्ड हमारे एयर हैं, बना लेते हैं, यस कुछ कोल्ड हमारे एयर हैं, बन गया। ऑल ब्रिज इज हॉट, जितने भी ब्रिज हैं वो हॉट हैं, तो हॉट के अंदर हम ब्रिज बना लेते हैं, ऑल ब्रिज इज हॉट। ओके, ये हमारा स्टेटमेंट बन गया। कॉन्क्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्क्लूजन फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है, सम ब्रिज आर नॉट कोल्ड, मीन्स कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है, कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारा ब्रिज है, ये कोल्ड है। ओके, अब दिए दे रहा है सेंटेंस कि कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है, ये क्या हमें पता है कि कुछ ब्रिज कोल्ड है या नहीं है? क्या आपको दिख रहा है कि कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है? देखिए आप खुद बताइए, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है कोई रिलेशन कि कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है? हो सकता है ये सारे ब्रिज इसके अंदर आ जाएं, लगा कि जितने भी ब्रिज हैं वो कोल्ड हो गए हैं, तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि कुछ ब्रिज कोल्ड नहीं है? तो हमें जब नहीं पता है, हम श्योर नहीं है, तो हम तुरंत कट करेंगे, बिल्कुल नहीं पता है हमें। सम हॉट आर कोल्ड, सेकेंड सेंटेंस है, सम हॉट आर कोल्ड, कुछ हॉट हमारे कोल्ड हैं। तो अब देखिए, कोल्ड का ये जो इतना वाला पार्ट है, ये पार्ट ये हॉट के अंदर ही तो है, ये पूरा हॉट है ना, हॉट के अंदर ही तो दिख रहा है ये पार्ट हमें, और कह क्या रहा है, सम हॉट आर कोल्ड, कुछ हॉट कोल्ड हैं, तो यस बिल्कुल हैं, हमें दिख रहा है, हम निश्चित हैं इसके लिए। थर्ड दिया हुआ है, ऑल ब्रिज आर कोल्ड, सभी ब्रिज कोल्ड हैं, जितने भी ब्रिज हैं क्या वो कोल्ड हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रिज इसके अंदर भी हो सकते हैं, बट हमें, मैंने सेंटेंस में आपको क्या कहा, हो सकते हैं, हो सकते हैं का मतलब क्या होता है, पॉसिबिलिटी है, निश्चित नहीं है, तो हम उसे कट कर देंगे, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं पता है कि हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। अब जिसको हमने कट किया है उसको हम देख लेते हैं कि क्या वो आइदर और को फॉलो कर रहा है, इसको चेक कर लेते हैं। फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, सम ब्रिज आर नॉट कोल्ड, सम एंड नॉट का कॉन्सेप्ट है, ब्रिज एंड कोल्ड दिया हुआ है। ओके, थर्ड में था ऑल ब्रिज आर कोल्ड, ऑल का कॉन्सेप्ट है, ब्रिज एंड कोल्ड दिया हुआ है। अब ये हो गया हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट, आइदर वन और थ्री और फॉलोज। ओके, ये आइदर वन और थ्री और फॉलोज हो गया, वन और थ्री। ओके, ये ध्यान देना है आपको। अब ये मैंने कैसे किया, कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, आइए कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। ओके, यस, अब देखिए आइदर और को किस तरीके से करना है। अब आप सोच रहे होंगे, यहाँ पर तो मैंने कट किया था और नाइदर लिख दिया था, तब मैंने आपको बताया था ना कि अगर दो इंटिटी सेम होंगी, अगर सेम इंटिटी दोनों सेंटेंस में दी होगी तभी आइदर और को कॉन्सेप्ट फॉलो करेगा। इसमें दोनों इंटिटी सेम नहीं थी इसलिए ये नाइदर हो गया, बट इसमें दोनों इंटिटी सेम थी इसलिए ये आइदर और होगा। अब देखिए कैसे कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, कॉन्सेप्ट है हमारा सम ए आर बी, अगर ऐसे आपके कंक्लूजन में लिखा हुआ है कुछ ए बी हैं, और दूसरा सेंटेंस देता है सम ए और नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, मीन्स सम का कॉन्सेप्ट है पहला, दूसरा है सम नॉट का कॉन्सेप्ट, और एंटिटी सेम है, ए बी दोनों में लिखा हुआ है, तो तुरंत ये आ जाएगा आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट। ओके, या फिर अगर इसको इस तरीके से लिखता है, सम बी आर ए, मीन्स कुछ बी हमारे ए हैं,
एंड सम ए आर नॉट बी, कुछ ए हमारे बी नहीं है तो भी ये आइदर आर के कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा। अब कैसे, यहाँ पर ए बी लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी ए बी हो सकता है, अगर यहाँ पर बी ए हुआ है तो यहाँ पर उल्टा हो सकता है, किसमें, सम एंड सम नॉट वाले सेंटेंस में, ये ध्यान रखिए, क्योंकि ऑल वाले का जो फॉर्मेशन होता है वो अलग होता है, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, सम या सम नॉट वाला जो सेंटेंस होता है या फिर सम या नो वाला जो सेंटेंस होता है उसमें एंटिटी इंटरचेंज हो सकती है, सम ए आर बी, सम ए आर नॉट B, some B are A, some A are not B, तो ये सही होगा आपका। जैसे इसमें देखिए, no वाला concept है, some plus no का concept है, some A is B, no A is B, either और को follow कर दिया, some B is A, no A is B, A यहाँ पर है, B यहाँ पर है, B यहाँ पर है, A यहाँ पर है, interchange हुआ ना, उल्टा हुआ ना, तो यहाँ पर ये भी आपका सही होगा, बिल्कुल गलत नहीं है, ये आपका बिल्कुल सही है, सम एंड नो, नो का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, आइदर ए का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है, एंटिटी सेम है, हाँ थोड़ा सा इंटरचेंज हुआ है लेटर्स में, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ओके। बट अगर ऑल का कॉन्सेप्ट आपको दिखता है तो वहाँ पर आपको चेक करना पड़ेगा एक बार, क्या ऑल ए इज़ बी, ठीक है, ये दिया हुआ है, सम ए आर नॉट बी, ऑल वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, ध्यान रखिए ऑल ए इज बी दिया होगा और दूसरा होगा सम नॉट, ऑल प्लस सम नॉट का कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा और उसमें आप चेक करेंगे एंटिटी को, ऑल ए इज बी, ओके, सम ए आर नॉट बी, अगर आपको ऐसा दिख रहा है और दोनों गलत हैं तो आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट फॉलो कर लिया है। बट अगर ऐसा लिखा हुआ है ऑल ए इज बी एंड सम बी आर नॉट ए, अब देखिए इंटरचेंज हुआ ना, यहाँ पर अगर ए है तो यहाँ पर भी ए होना चाहिए, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर भी बी होना चाहिए, किसमें, ऑल वाले कॉन्सेप्ट में, अगर उल्टा दिखता है तो वो आइदर और का कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करेगा, वो गलत हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा नाइदर का, ओके, क्यों, क्योंकि दोनों गलत हो गए भाई और दोनों आइदर और को भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, तब तो वो नाइदर वाले में ही तो हुए ना, तो ए फॉलो कर रहा है ना बी फॉलो कर रहा है आपका सेंटेंस, ओके, तो ये आपका नाइदर हो गया। बट हाँ, अगर एंटिटी सेम है, इंटरचेंज नहीं हुआ है, तो वो आपके आइदर और में बिल्कुल फिट बैठ रहा है और आप उसे आइदर और ही मार्क करोगे, ओके। तो यस, ये हमारा आइदर और का कॉन्सेप्ट है और आप इसको एक बार अच्छे से और समझिएगा, देख लीजिएगा, अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख लीजिएगा, और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें कर सकते हैं, आप उसमें क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं, भेज सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं, कुछ ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, से समझा सकती थी, मैंने कोशिश की है कि आपको ये सारे कॉन्सेप्ट एक जगह बता दूं, आपको समझ में आ जाए, और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए जितने हो सकते हैं, क्योंकि आप जितनी बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना उतने आपको नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, नए नए तरीके सीखने को मिलेंगे, और जितना आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, और क्लैरिटी बढ़ेगी आपकी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी तो आप बहुत जल्दी सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा और आपको नंबर मिलेंगे, ओके। तो इससे ही तो धीरे धीरे ऐसे ही तो प्रोग्रेस होती है धीरे धीरे, राइट। सो इस तरीके से आपको करते जाना है, और अगर कुछ समझ में ना आए या फिर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, और मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं सिलॉक्स से, वो भी मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि किस तरीके से मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि प्री का सिलॉक्स का कॉन्सेप्ट और मेंस का कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है, मेंस में थोड़ा लेंदी प्रोसेस होता है, उसको दूसरे तरीके से हम करते हैं, प्री का दूसरे तरीके से होता है, जैसे मैंने आपको बताया इस तरीके से प्री के करते हैं क्वेश्चंस को, तो प्री के क्वेश्चंस को खूब प्रैक्टिस करते जाइए, अगर आपने एक बार प्री के क्वेश्चंस बनाना सीख लिए तो मेंस तो आप ऐसे बना लोगे आराम से, एक बार आपको पढ़ना होगा कॉन्सेप्ट आप आराम से सीख जाओगे, ओके। तो यस, ये था आज का वीडियो, इसे आप अच्छे से देखिए और जितने हो सके उतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट एज वी ऑल नो, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने परफेक्ट बनते जाओगे, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप कमेंट करके बता सकते हो, एंड यस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बेस्ट ऑफ लक।